तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं वर्कबुक हैंडलिंग, यानी कि वर्कबुक को कैसे हैंडल किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सीट हैंडलिंग का, सीट को कैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट ऐड मूव करते हैं डिलीट करते हैं। तो आज की क्लास में सीखेंगे वर्कबुक को कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल लिखते हैं सब, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वर्कबुक है, एक और मैंने ऐड कर दिया, जैसे ये बुक टू है और सीट सिक्स है, दो है वर्कबुक हमारे पास, ये देखिए जैसे बुक क्लास सिक्स बुक टू। अब मुझे इससे एक दूसरे पे स्विच करना है वीबीए के जरिए, तो कैसे करेंगे? इसके लिए लिखेंगे वर्कबुक्स, बुक का नाम, जैसे अभी हमारे पास क्लास सिक्स एक्टिवेट है तो बुक टू को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सा है, बुक टू और क्लास सिक्स, दो वर्कबुक ओपन है अभी हमारे पास, तो हमें बुक टू को एक्टिवेट करना है। तो इसमें लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर बुक टू डॉट एक्टिवेट, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अब यहाँ से अभी क्लास सिक्स है, रन करते क्या होगा, बुक टू एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से मुझे दूसरे उस पे जाना है, तो इसलिए फिर से लिखेंगे वर्कबुक्स, वर्कबुक क्लास सिक्स डॉट एक्टिवेट। अब इसको रन करते फिर से, तब क्या होगा, क्लास सिक्स ये वाला वर्कबुक एक्टिवेट हो जाएगा। तब इससे क्या हो रहा है, पहले हमने सीखा था किसी सीट पे स्विच करना, अब वर्कबुक पे। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारे पास अलग अलग फाइल्स होती है, अब मान लीजिए आपके पास एक ये फाइल है राइट, और दूसरे फाइल इस फाइल के सीट्स के जितने भी डेटा है एक जगह इस वाले नए वर्कबुक है ये वाला, इसमें सेव करना है। तो आप क्या करोगे, बार बार जाओगे उस वाले वर्कबुक में, फिर सीट टू पे जाओगे, फिर कॉपी करोगे, फिर दूसरे वाले वर्कबुक पे जाओगे, इस पर फिर सेव करोगे, फिर अपने इस वाले सीट पे आओगे। तो ऐसे स्विच करने के लिए वर्कबुक और वर्कशीट्स का आना जरूरी होता है विजुअल बेसिक के अंदर। तो ये था नॉर्मल बेसिक मेथड था जिसके जरिए हम स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास स्विच करने के लिए, सब जैसे मैंने आपको वर्कशीट के अंदर बताया था इंडेक्स के जरिए भी हम कॉल करा सकते हैं, सेम इसी तरीके से वर्कबुक को भी हम इंडेक्स के जरिए कॉल करा सकते हैं। तो लिखता हूँ मैं वर्क बुक्स वन डॉट एक्टिवेट, अब टू पे करेंगे तो ये टू वाला एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे देखिए हमारा सीक्वेंस में क्या है, बुक वन टॉप पे है, सेकंड ये है, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या है, दूसरा है। तो इसके जरिए इंडेक्स के जरिए भी हम वीबीए के अंदर वर्कबुक को एक्टिवेट या क्लोज करा सकते हैं, एक्टिवेट यानी सिलेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को इंडेक्स के जरिए। इसके अलावा एक और मेथड देखते हैं,
इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, वो जानते सब, एक्टिव वर्कबुक। जैसे हम ये वाला लाइन कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमें बुक टू को क्लोज करना है तो इसको लाइन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा कॉपी, तभी हमारे पास यहाँ पे कौन सा वर्कबुक एक्टिवेट है, क्लास सिक्स। अब मुझे बुक टू को ओपन करना है, उसके बाद इसको क्लोज कराना है, तो क्या करेंगे, ये ओपन हो गया। अब मैं डायरेक्टली हम इसको भी यहाँ से क्लोज करा सकते हैं, और चाहे तो हम पहले इस वर्कबुक को एक्टिवेट करके, जैसे हम क्या करते हैं, यदि हम एक्चुअल में क्लोज करना तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस वर्कबुक पे जाते हैं ऐसे क्लिक करके, फिर उसके बाद जाके क्लोज करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम वीवीए के अंदर भी जा सकते हैं, पहले वर्कबुक मैंने एक्टिवेट किया, उसके बाद जो भी हमारा टॉप पे है वो क्या, एक्टिव वर्कबुक, तो उसके लिए लिखे एक्टिव वर्कबुक डॉट डालोगे, उसके बाद जो है इसकी इंटेलिजेंट लिस्ट है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या करना, क्लोज कराना इसको, तो क्लोज लिखूंगा और रन कराता हूँ इसको एक बार आपके सामने। यहाँ पे इस सब प्रोसीजर का नाम थोड़ा चेंज करना होगा, अब करते रन। और ये पूछ रहा है सेव सेंटर, इस बुक को यानी कि हमने कहीं पे सेव नहीं किया था, इसलिए पूछ रहा है इस वर्कबुक को आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, राइट। यदि आप इस वर्कबुक को नहीं सेव करना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, बट इसको वीबीए के जरिए हम कैसे हैंडल करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे वर्कबुक में है जो भी है उसको हम सेव नहीं कराना चाहते, डायरेक्टली हम इसको क्लोज कराना चाहते हैं या फिर सेव कराना चाहते हैं। यदि आप सेव कराना चाहते हो तो इसको मैं जैसे क्लोज करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। तो क्या होगा, जब रन होगा तो इस वर्कबुक को सेव नहीं कराएगा, इसको डायरेक्टली क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए बुक टू एक्टिवेट है, मैं एक बार दूसरे एक्सेल पे चला जाता हूँ, क्लास सिक्स पे, तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ, F8 की के साथ एक्टिवेट हो गया, देखिए क्लोज हो गया वो। इसके अलावा यदि हम ट्रू का यूज़ करते हैं तो मुझे, जैसे मान लीजिए मुझे क्लास सिक्स को क्लोज कराना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिख दूंगा मैं। अब मैं इसमें इसको मैं फॉल्स कराऊंगा तो क्या होगा, जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है वो सेव नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, रन कराता हूँ और इसको लिख दिया मैंने ट्रू, जैसे ये वर्कबुक है ये सेव हो जाए। इसके अलावा हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये तो हमारा बुक टू था, वो सेव हो गया। यदि हमें इस वर्कबुक को क्लोज करना है तो हमें, हमारे पास एक और मेथड होता है, देखिए सब न्यू वर्कबुक एक्टिवेट मेथड, जैसे जो हमारे पास जिसमें हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं दिस वर्कबुक, जिसमें हमारा प्रोग्राम लिखा जा रहा है, जिसमें कोडिंग है, यदि उसको क्लोज कराना है आपको तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, दिस वर्कबुक डॉट क्लोज और स्पेस देके ट्रू करना है, नहीं कि सेव करना है या नहीं करना है, तो सेव करना है तो ट्रू लिख दीजिए आप। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये फाइल, अब मैं इसके लिए आपको, आपके सामने एक नया वर्कबुक ओपन कर देता हूँ, ये अभी एक्टिवेट है। अब देखिए अब डायरेक्टली ये फाइल है क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब क्लास सिक्स एक्टिव है भी, लेकिन जो एक्टिव वर्कबुक है बुक थ्री है, देखिए क्लोज हो गया। और इसके साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वीबीए का
वो भी क्लोज हो गया। तो इसके लिए मैं दोबारा से एक्सेल में जाता हूँ डेस्कटॉप पे और फिर यहाँ से उसको ओपन कर लेता हूँ। विजुअल बेसिक में जाते हैं फिर से, अब किसी वर्कबुक को ओपन कराना है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे या मान लीजिए मैं किसी फाइल को ओपन कराना है, जैसे क्लास फाइव को ओपन कराना है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, लिखता हूँ मैं सब ओपन वर्कबुक। अब इसके लिए लिखते हैं बुक डॉट ओपन, स्पेस दोगे, फाइल पाथ पूछेगा। तो जैसे अभी मेरा फाइल कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ पे हम फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप दिस पीसी, यहाँ से सी ड्राइव यूजर कैसा लॉन्ग, उसके बाद डेस्कटॉप, ये रहा हमारा फाइल का पाथ क्लास फाइव। तो यहाँ से कॉपी किया मैंने इस पाथ को और वीवी में चलते हैं, इसको डबल कोट्स के अंदर आपको डालना है। दोबारा से मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाला, उसके बाद लिखा मैंने क्लास फाइव डॉट एक्स एल एस एम, ये फाइल फॉर्मेट है इसका, मैक्रोनेवल का जो एक्सटेंशन होता है एक्स एल एस एम होता है, राइट। अब इसको बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक एक्स्ट्रा एक्सेल था ये वाला, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। अब इसके बाद मैं इस पे जाके इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक किया मैंने, देखिए क्लास फाइव है वो एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्कबुक ऐड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, मैं सब लिखता हूँ सब ऐड वर्कबुक वर्कबुक्स डॉट ऐड, इसको रन करोगे तो एक वर्कबुक है, आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार वर्कबुक है ये ऐड होता जाएगा। आगे बुक फोर, अब ये वर्कबुक ऐड हो गया। अब मैं इसको यदि सेव कराना चाहता हूँ इस वर्कबुक को, तो क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। मैं यदि इसको सेव करता हूँ तो ये कहाँ पे जाकर सेव होगा, पहले एक बार इसको रन करते हैं, सेव हो गया, बट हमें नहीं पता कि ये फाइल जाके कहाँ पे सेव हुआ है। एक बार देख लेते हैं हमारे पास ये फाइल कहाँ पे जाके सेव हुआ है, बुक फाइव, देखिए डेस्कटॉप पे जाके सेव हुआ है, बुक फाइव डेस्कटॉप पे जाके सेव हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे जाके एक्चुअली क्यों सेव हुआ है। आप इस पे जाओगे फाइल के अंदर ऑप्शंस में, यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो आपका जो डिफॉल्ट पाथ है सेव का, ये yeah.
तो डॉक्यूमेंट जो सेव होता है यहाँ पे, ये जाके जब भी आप सेव करोगे विदाउट कोई लोकेशन, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाके सेव होता है, इसके अंदर जो आप जहाँ आपका रिसेंट फाइल सेव होता है, जो लास्ट फाइल जहाँ पे सेव होती है वहीं पे जाके ये फाइल सेव होती है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग फाइल को सेव कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव एज मेथड का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यदि एक्सेल के अंदर भी कोई फाइल कंट्रोल में एंड किया और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, सेव हम उसको फाइल उस फाइल को करते हैं जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होता है। अब मैं यदि कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये क्या होगा, पूछेगा लोकेशन कहाँ पे सेव करना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ये हमारा डेस्कटॉप पे आता है क्योंकि हमने रिसेंट फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया था वीवीए के अंदर, तो इसलिए वो वहीं पे जाके सेव हो रहा है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना हो, विजुअल बेसिक में जाके चलते हैं, सेव एज करना होगा आपको, जैसे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज स्पेस दोगे यहाँ पे, देखो फाइल नेम में क्या डालोगे, डबल कोट्स के अंदर डालोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे मैं किसी और कहीं पे और सेव करता हूँ, मैं जैसे इसमें एफ ड्राइव के अंदर मैंने सेव किया, बेसिक के अंदर जैसे नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी काफी फाइल्स पड़ी है, डाउनलोड चलो इसी फोन इसी पाथ के अंदर हम सेव कराते हैं, हमें एफ ड्राइव के अंदर सेव कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया स्लैश, अब फाइल का नाम क्या डालना है इसमें, माय वर्कबुक डॉट एक्स एल एक्स एस, जैसे इस फाइल में हमें इस सेव करना है जो बुक एक्टिव वर्कबुक है यहाँ पे हमारा, इसको मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ये सेव हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके माय वर्कबुक, बट ये तो नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के अंदर जाकर सेव हुआ। हेलो, हाँ जी सर, आवाज कम आ रहा है। हेलो, थोड़ा आवाज कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सर वॉल्यूम फुल है, आप यदि इसको यहाँ पे तो ये सेव हो गया, यदि आप XLSM में माइक्रो अनेबल में सेव करना चाहते हो तो देखिए आई थिंक ये सेव चलता है कि नहीं चलता है, चेक कर लेते हैं, देखिए एरर आ गया क्योंकि जो ये वाला फाइल है इस फाइल फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं होता है। यदि आप इसको सेव कराना चाहते हो, यदि यहाँ पे कोमा डाल के एक पैरामीटर आता है फाइल फॉर्मेट, इसका वीबीए का आई थिंक फाइल फॉर्मेट 52 है, मैं यहाँ पे इसको F1 देखते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एक बार, सेव एज
सेव एज फाइल फॉर्मेट। ये नीचे वाला होगा फाइल फॉर्मेट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मिलेगा देखिए, एक्सेल यहाँ पे नहीं पता चल रहा, ऊपर वाले बैक करते हैं इसको जी। फाइल फॉर्मेट ये रहा देखिए, इसके अंदर होगा ये रहा एक्सेल ओपन टेम्पलेट मैक्रो एनेबल, ये रहा वर्कबुक मैक्रो एनेबल। या तो आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके और यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं और वीबीए के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और इसको मैं अब रन कराता हूँ, देखिए तो अब ये मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव हो जाएगा। वहाँ पे जाके हो गया सेव मैक्रो एनेबल वर्कबुक में जाके, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दो फाइल होगी सेव। देखिए दो फाइल सेव, एक मैक्रो एनेबल एक विदाउट मैक्रो एनेबल है, राइट। इसके अलावा इसके साथ मैंने आपको जो नंबर बताए थे यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था अभी यहाँ पे, ये देखिए इसका नंबर, इसके नंबर के जरिए भी आप कॉल करा सकते हो 52। मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, कॉपी कॉमा 52। अब फाइल नेम में यहाँ से बुक वन कर देता हूँ, मैं इसको फिर से इसको एज ए कमेंट कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, जिससे आप अब मैं रन करता हूँ इसको। देखिए इसके वैल्यू से भी जो फाइल फॉर्मेट की जो वैल्यू नंबर की वैल्यू होती है उसके जरिए भी ये रन करता है। देखिए हो गया सेव। तो इस तरीके से आप वर्कबुक को आप हैंडल कर सकते हो।